देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी टी लाइट को कैसे सजाया है। कैंडल बनाने के लिए हमें पहले एक नॉर्मल कैंडल की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम इसे छोटे छोटे पीस में कट कर देंगे, नहीं तो आपको वैक्स भी मिलता है मार्केट में, आप वो भी लेके आ सकते हो, पर मुझे ये ज्यादा अच्छा। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने कुछ वैक्स के पीसेस लिए हैं, अब हमें इसे मेल्ट करना है। टी लाइट बनाने के लिए मैंने कुछ वैक्स के पीसेस लिए हैं, अब हम इसे मेल्ट करेंगे। और इसे बनाने के लिए एक टी लाइट होल्डर चाहिए, एक पिन चाहिए और बत्ती चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने वैक्स लिया है, अब हम इसे गरम करेंगे। चलिए गरम करते हैं। ये मैंने एक बाउल में गर्म पानी लिया है और हम अपने बीकर को इसके ऊपर रखेंगे ताकि ये मेल्ट हो जाए। मेक श्योर दैट जब ये गर्म हो रहा है तभी आप इसे टच ना करें, क्योंकि ये बहुत हीटेड अप होता है। अब मैं इसे मेल्ट कर दूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये मेल्ट हो चुका है। मैं इसे और देर के ये देखिए, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। देखिए ये पानी की तरह, पर इसे पीना नहीं। अब हमें बत्ती का एक छोटा सा पीस लेना है और ये मैंने एक पिन लिया है और इसके बीच में इंसर्ट कर देना है कुछ ऐसे। फ्रेंड्स अब हमें इसे कूल डाउन करना है और एक साइड से वैक्स डालेंगे। अब देखिए मैं वैक्स डालता हूँ। फ्रेंड्स अब हम इसे 10 टू 14 मिनट्स तक कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए, ये हमारा पहले वाला कैंडल रेडी हो चुका है। चलिए इस क्लिप को निकालते हैं। धीरे से क्लिप निकल चुका है, इसे रखते हैं साइड में। और हमारा ये वाला कैंडल लाइट तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये रेडीमेड टी लाइट की तरह लग रहा है ना, जो मार्केट में मिलता है। अब मैं आपको इस कैंडल को जला के दिखाऊंगा।